रात को जो है पूरी रात बारिश हो रही थी, तो यहाँ से जो है बिल्कुल लैंडस्लाइड हुआ है थोड़ा बहुत, आजकल बरसात में हो जाती है ये चीज़ें। तो यहाँ से बिल्कुल जो है रोड बिल्कुल खाली है नीचे से, तो ऊपर से रोड है, तो देख सकते हो आप लोग कितना ही रिस्की है। एक बार फ्लो देख सकते हो आप लोग यहाँ से, तो भाई साहब मतलब क्या ही तगड़ा फ्लो है आजकल नदी का। सबसे पहले तो टनल ब्लॉक हो चुकी है ये, यहाँ से हमने कम से कम 20 मीटर डाउन कर चुका था इसको, तो ये सारा खतरा मंडरा रहा है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो होप करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए ब्लॉग में। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है बिल्कुल अपने गांव से हो रही है, घर से। तो अभी सबसे पहले मैं रूम पे आया था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग गंद मचा के रखी है यहाँ पे, ये सारा सामान मम्मी ने ले के रखा होता है और फिर सारा का सारा इस रूम में ही रखा होता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, तो देख सकते हो आप लोग, तो ये है मेरे पापा। और अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ आपको बाहर के नज़ारे किस तरह के हैं। तो बाहर का मौसम देख सकते हो आप लोग दोस्तों, बाहर जो है कुछ आज इस तरह का मौसम है। तो सुबह आज बिल्कुल जो है बारिश शुरू हो गई थी, और जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया कोयल जो दिखाया था त्रासदी वहाँ पे, कि किस तरह से चीज़ें हुई, तो वहाँ पर जो रोड था तो उस रोड में जो है बिल्कुल पानी ऊपर तक चढ़ चुका है। और कुछ यही अपडेट है नया फ़िलहाल। तो बाकी जो बागीपुल गाँव है वहाँ पे कुछ इस तरह का हो गया है कि जो पुल लगा था वहाँ पे नया, वो भी मतलब फिर से बढ़ गई खड्डे के बार, और वो भी पुल भी चला गया उसमें, जो लक्कड़ का पुल लगाया था उन लोगों ने। तो इसलिए आजकल जो है थोड़ा सा सेफ रहें और बच के चले गए। दोस्तों देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फिलहाल पानी ले जाया जा रहा है, और मामू ने बिल्कुल अपनी गाय लाई थी और इनको अभी पानी भी लाया जाएगा यहाँ पे। और बिल्कुल वहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये आज भी मतलब आ गए यहाँ पे बेचने वाले, तो ये रज़ाई कंबल वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास, तो ये बेचने आए हैं। और बिल्कुल मामा जी से पूछेंगे हम इस बार क्या रहेगा फिर मेले का, आ रहे हैं महादेव जी के अभी मीटिंग होगी है गाँव में, कि मामू ने इतना बता दिया है, क्योंकि मामू भी जो है गाँव के बुज़ुर्ग में आते हैं, तो इसीलिए मामू को सबसे ज़्यादा आइडिया है भाई यहाँ का। तो यही है फ़िलहाल, बाकी आप लोगों को बताते रहेंगे हम। तो देख सकते हो आप लोग दोस्तों किस तरह से फॉग पड़ी है पूरे गांव में, जो गांव जो है बिल्कुल पैक हुआ है, तो कुछ इस तरह का गांव ही दिख रहा है बस, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है आगे को। और इधर ऊपर निथर आधा निथर दिख रहा है भाई। सो देख सकते हो आप लोग, तो ये भाई लोग जो आए थे तो ये भी मतलब बिल्कुल चल पड़े यहाँ से अब। फिलहाल दोस्तों देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल गाय को पानी पिलाया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल जो है टाइम अभी 5:30 हो रहे हैं, और मैं निकल गया हूँ घूमने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा निकला जाए कहीं फ्रेश होने, क्योंकि घर में जो है ना शाम के टाइम भाई मोटा ही मज़ा आता है घूमने का, सच्ची बात है। क्यों बढ़िया एकदम ठंडी हवा चली है, मज़ा ही है भाई, फील अलग है, वाइब अलग है। तो रामपुर में तो ऐसा है कि रामपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो भी चिपचिप, इसलिए वहाँ पे मन नहीं करता। तो अभी देख सकते हो आप लोग निकला हूँ मैं घूमने के लिए, तो क्या ही हरा भरा हुआ है आजकल। सो गुड मॉर्निंग जी, आज है 2रा दिन, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से। तो आज मौसम देख सकते हो आप लोग, रात को जो है पूरी रात बारिश हो रही थी। तो अभी फ़िलहाल छोटे पापा देख सकते हो आप, छोटे पापा और मैं बिल्कुल रेडी होके निकल गए हैं। तो हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आज रामपुर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घर पे, तो आज हम लोग रामपुर जाएंगे इस गाड़ी में, आज का जो सफ़र है वो रहने वाला है। तो छोटे बाबा देख सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बता सकते हो अपने छोटे बाबा कैसे लग रहे हैं, डैशिंग पर्सनैलिटी एकदम, व्यू क्या ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो बाकी आप लोगों को आज के ब्लॉग में जो है बिल्कुल रोड का अपडेट दूंगा मैं, किस तरह का रोड है, क्योंकि एक ही रोड खुला है, जो नीचे वाला रोड है वो तो बिल्कुल बंद है, क्योंकि वहाँ पे जो है रोड में बिल्कुल पानी आया है, तो इसलिए वो रोड भी बंद है, तो मतलब उधर से जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग लूरी होके जाएंगे आज भी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है घर से बिल्कुल निकल चुके हैं, अभी तो हम लोग इधर ही है, तो मौसम भी अभी ऐसा है कि टिका हुआ है, बारिश अभी रुकी है, रात को जो है पूरी रात बारिश हो रही थी। मेरे साथ देख सकते हो आप लोग छोटे पापा है, चाचा है, बीची हुई, तो इधर निखिल है, इधर नाना जी है, तो हम सब लोग जा रहे हैं आज रामपुर की तरफ थोड़ा घूमने फिरने।
तो आज के ब्लॉग में बिल्कुल आपको रोड की कंडीशन बताई जाएगी और अपडेट दिया जाएगा किस तरह का रोड है, क्या क्या चीजें हैं। देख सकते हो आप लोग चारों चार जो है बिल्कुल फॉग से पैक हो चुका है गाइस, तो रोड देखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, टास्क हो रहा है। ऊपर से जो है आजकल रोड बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि इधर सीज़न बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, तो उस वजह से एक तो एक ही रोड खुला है ये वाला ही, तो सारे जितने भी आजकल लोग हैं तो इसी रोड से जा रहे आ रहे हैं क्योंकि परली साइड वाला रोड जो है बिल्कुल बंद है, तो सीज़न भी बिल्कुल शुरू हो गया है, तो उस वजह से भी ये रोड जो है बहुत ज़्यादा बिजी है। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रोड के हालात, तो यहाँ से जो है बिल्कुल लैंडस्लाइड हुआ है थोड़ा बहुत, तो बस यही है अभी तक, तो फिलहाल थोड़ा बहुत जो है आजकल बरसात में हो जाती है ये चीज़ें, तो थोड़ा सेफली चलें, बच के थोड़ा सा ध्यान से, बाकी अगर कुछ आगे होगा दिखाने लायक तो ज़रूर दिखाएंगे हम लोग आपको। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है जाजर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से कैंची पहुँच चुके हैं गाइस, तो यहाँ से रोड तगड़े रोड है, एक ये दलाश के लिए जाता है और इधर से लूरी, तो अभी हम लोग जाएंगे लूरी साइड। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग इस गाड़ी में जो है बिल्कुल सेब ले जाया जा रहा है बेचने के लिए, तो अभी मैं आप लोगों को आगे मंडी भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे बेचते हैं सेब। वी आर इन खिक्सू, तो यहाँ पे जो है अभी खिक्सू माता मंदिर दिखाया जाएगा और माता रानी के दर्शन करवाए जाएंगे यहीं से रोड से, क्योंकि हम लोग जो है अभी थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो बिल्कुल देख सकते हो आप लोग दोस्तों, ये है माता रानी का मंदिर, तो जो आप लोग छोटी सी जगह दिखा दी मैंने, तो यहीं से दर्शन कर लो सब लोग। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो आप लोग, हम लोग जो है अभी बिल्कुल खिक्सू सब्जी मंडी पहुंच चुके हैं, तो यहाँ है सब्जी मंडी, तो यहाँ पे क्राउड भी देख सकते हो आप लोग, आजकल जो है चारों चार बिल्कुल ट्रक लगे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी अधिक मात्रा में सेब आता है और यहाँ से जाता भी है। वो आ चुके हो यहाँ देखो, तो देख सकते हो आप दोस्तों कीचड़, तो अभी अभी कीचड़ उछल के आ गया है, कीचड़ तो नहीं गोबर ही है। तो गाइस तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, अभी जो हम लोग लूरी से थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप ये, तो यहाँ से बिल्कुल जो है रोड बिल्कुल खाली है नीचे से, तो ऊपर से रोड है, तो देख सकते हो आप लोग कितना ही रिस्की है। तो यहाँ से क्योंकि आजकल जो है सारी सीज़न वगैरह की गाड़ियाँ जितनी भी है, तो लोडेड गाड़ियाँ देख सकते हो आप अभी भी निकली यहाँ से, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई, इसके लिए किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो और यहाँ से जो है थोड़ा सा ध्यान से आए अगर आप लोग इधर से आ रहे हो, तो देख सकते हो आप कितना ही मतलब खाली है भाई, बिल्कुल खाली हो रखा है यहाँ से बीच से। तो हम लोग जो है बिल्कुल अभी लूरी प्रोजेक्ट जो कि नीरत में मतलब यहाँ पे बन रहा था, बाकी ज़्यादा छोटे भाव को बताए बताएंगे हमारे को क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे टनल भी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है और एक बार फ्लो देख सकते हो आप लोग यहाँ से, तो भाई साहब मतलब क्या ही तगड़ा फ्लो है आजकल नदी का। और छोटे बाबा से पूछेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, किस किस तरह की चीज़ें बताओ ज़रा थोड़ा। सबसे पहले तो ये टनल ब्लॉक हो चुकी है, अच्छा यहाँ पे थी टनल। हाँ जी, ये हाँ जी, पूरा सतलुज इधर से बाहर निकलता था पहले। अच्छा, और जो ये पुराना पुल हुआ करता था प्रोजेक्ट का, हाँ जी, ये यहाँ से हमने कम 20 मीटर डाउन कर चुका था इसको हमने।
अच्छा, अब ये द्वारा गैप फुल हो गया और ये ऑफिस था यहाँ पर। अच्छा, तेल वालों का यहाँ पे। हाँ, तो ये सारा खतरा मंडरा रहा है। और ये छेद है, ये अभी शायद भी ये कुछ दिनों पहले ये भी कुछ हुआ है, मतलब यहाँ कोई पता नहीं है इसका अभी तक हमारे को। अपने आप ही हुआ है तो कुछ इस तरह के नज़ारे है दोस्तों यहाँ के, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस फिलहाल टाइम हो गया निकलने का यहाँ से, अब तो ये हमारा छोटा सा हॉल्ट, तो अब जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ गाइस।